Hi guys, this is ZENER. I'm from ZENERSTUDY channel. Don't bug up, try to build a personal analogical study. हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपको टॉप 25 बुक्स जो आपको प्रीवियस ईयर के जो भी है रिसेंटली एग्जाम हुए, आपको बीपीएससी हुआ है, एएलपी आरपीएफ हुआ है, डीएसएस भी हुआ है, वन फॉरेस्ट का हुआ है, हरियाणा का भी हुआ है, तो उन सारे मतलब पेपर को देखते हुए मैंने जो बुक्स एंड ऑथर के एक बनाए हैं वीडियो, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जी और आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आई थिंक यू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस थ्रू दिस वीडियो, तो प्लीज़ मेक योर। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मुझे अच्छा लगा है कि ये क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको भी ऐड कर रखा है जी। तो चलिए, लज्जा एंड माई गर्ल्स हुड के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। द रोड आई हेट के लेखक कौन है जी? तो बिल गेट्स हैं। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन है। एग्जाम वॉरियर एंड ज्योति पुंज के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। विंग्स सम फायर पुस्तक के लेखक कौन है जी? तो अब्दुल कलाम हैं। इंडिया 2020 के लेखक कौन है जी? तो APJ अब्दुल कलाम है। आप देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो बार बार आते हैं जी, तो आप इन सब क्वेश्चन को भी थोड़ा सा याद रखिएगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए जी। व्हाट कैन आई गिव लाइफ लाइसेंस फॉर माई टीचर, लाइफ लेसन फ्रॉम माई टीचर, ये भी इसका भी लेखक कौन है जी? तो APJ अब्दुल कलाम थे जी। द प्रेसिडेंट, चलिए जी, और भी APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा लेकिन भी उनका जो जीवनी से लिखा गया है बुक में उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कलेक्टिव पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। SM खान ने लिखा है जी, व्हाट कैन आई गिव लाइफ लेसन फ्रॉम माई टीचर APJ अब्दुल कलाम। किसने लिखा है? सृजन पाल सिंह ने लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है जो इनसे बेस्ट है, तो उनको भी डिस्कस एक बार लास्ट में कर लेंगे। चलिए जी आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसके द्वारा लिखा गया? तो सौरभ गांगुली। प्लेइंग इट्स माई वे साइना नेहवाल है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कपिल देव हैं जी। प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर हैं। चैलेंज बिफोर द नेशन प्रणब मुखर्जी लिखे हैं जी। हाफ व्हाट आई से यस ए वाई वाला है जिसे, इसके लेखक कौन है? तो अनिल मेनन है। लास्ट मैन इन टावर कौन है? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा एक और बुक लिखे हैं, देख लीजिए, द सिलेक्शन डेज भी अरविंद अडिगा ने लिखा है। एस अगेंस्ट ऑस सानिया मिर्जा का है जी। एस अगेंस्ट ऑड संसद के तीन दशक अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। राजनीति की रफ टीली राहें अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है। मिड नाइट चिल्ड्रेन किसने लिखा है? तो सलमान रशदी ने लिखा है जी। सलमान रशदी ने एक द गोल्डन हाउस भी बुक लिखा है, आप देख सकते हैं जी। टर्निंग पॉइंट किसके लिखक है जी? तो APJ अब्दुल कलाम है। टारगेट 3 बिलियन APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इग्नाइट माइंड APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा है। ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया? विक्रम सेठ। अब विक्रम सेठ ने ही लिखा है द गोल्डन गेट्स को जी। हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखा है? चंद्रभागा के टू स्टेट भी लिखा है। व्हाट वेंट रॉन्ग किसने लिखा है जी? तो किरण बेदी लिखा है। आइडियर किरण बेदी ने ही लिखा है। ए वन नाइट एट कॉल सेंटर चेतन भगत ने लिखा है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत ने लिखा है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा रखा? अरुंधति रॉय लिखा है जी। अरुंधति रॉय गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग एंड पावर पॉलिटिक्स दोनों लिखी है जी। एडवांटेज इंडिया किसने लिखा है? तो APJ अब्दुल कलाम का। फॉर योर फ्यूचर किसके द्वारा लिखा गया? APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। तो एडवांटेज इंडिया के लेखक कौन है जी? तो APJ अब्दुल कलाम है। फॉर योर फ्यूचर APJ अब्दुल कलाम है इसके राइटर। अनब्रेकेबल के राइटर MC मेरी कॉम है। दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998 के लेखक कौन है? तो शीला दीक्षित है जी। शीला दीक्षित आपको भी पता है दिल्ली की क्या थी, CM थी, तो वहीं लिखी है। द रिमेंस ऑफ द डे कौन लिखे? काजू इशिगुरु ने लिखेगा द रिमेंस ऑफ द डे। द लिरिक्स किसने लिखा है जी? तो बॉब डीलेन लिखा है। राज टू स्वराज के राइटर रामचंद्र प्रधान है। एन अनसुटेबल बॉय है, इससे पहले एक सुटेबल बॉय था उसने किसने लिखा था जी? अलग राइटर थे। और यहाँ पे देखिए अनसुटेबल बॉय करण जौहर ने लिखा है। फियरलेस इन अपोजिशन किसने लिखा है जी? तो पीछे तमना को पता है कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उस समय ऑपोजिशन के क्या थे जी?
प्रेसिडेंट थे वहीं लिखे हैं फियरलेस इन अपोजिशन। ऐसे ही इसे लिंक करके याद कीजिएगा तो याद करना आसान होगा। थिंक विथ मी, थिंक विथ मी के राइटर कौन है तो सुब्रत राय है। द आर्ट ऑफ द डील, देखिए डोनाल्ड ट्रंप, द आर्ट ऑफ डील मतलब क्या है, डील करना मुझे ज़्यादा अच्छा आता है, इसे याद कर लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप है जी। द गोल्डन हाउस के राइटर कौन है तो सलमान रशदी हैं। ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड हिलरी क्लिंटन, देखिए हिलरी क्लिंटन मान लीजिए इलेक्शन में जब हार गए तो लिखी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ पता नहीं चला। द किस ऑफ माई लाइफ, आपको पता है कि किस की हीरो कौन है जी, इमरान हाशमी है, तो इमरान हाशमी। बीरप्पन चेजिंग जो है, बीरप्पन पे एक बुक लिखा गया उसके राइटर कौन है तो के विजय कुमार है। बीरप्पन आपको बन रहा है पता है कर्नाटक क्या था, स्मगलर था बहुत बड़ा। सिटीजन एंड सोसाइटी के लेखक कौन है तो हामिद अंसारी, हामिद अंसारी आपको भी पता है। जैसे याद करते हैं सिटीजन के बारे में ज़्यादा ख्याल कौन रखता है जी, तो प्रेसिडेंट रखता है, तो हामिद अंसारी हो गए जी। आज़ाद बचपन की ओर कौन है, आज़ाद बचपन की ओर कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने क्या है अभी तक 40 बच्चों को क्या किया जी, कि बचाया है जिससे क्या किया उन्हें और अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने की इनकी संस्था ने काम किया है जी। तो आज़ाद बचपन की ओर को कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज भी मिला था 2014 में मिला था जी। चलिए द ईयर ऑफ द रनवेज के लेखक कौन है जी तो संजीव सहोता है। ए सेकंड्स ऑज के सानिया मिर्जा है जी राइटर। एनीथिंग बट खामोश, ये जो है आपको स्वतंत्र सिन्हा के जीवनी पे लिखी गई है और इसे भारतीय स्पर्धान ने लिखा है। देखिए बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है इसलिए याद रखिएगा भारतीय स्पर्धान ने लिखा है लेकिन स्वतंत्र सिन्हा के जीवनी पे है जी। लाइफ ऑन माई टर्म्स, लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार ने लिखा है, ये भी पॉलिटिशियन है जी। इनटू द वाटर, इनटू द वाटर के पॉली हॉकिंस है जी राइटर। स्लीपिंग ऑन जुपिटर अनुराधा रॉय लिखे, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल राजकमल मुखर्जी ने लिखा है। देखिए हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के लेखक कौन है जी तो राजकुमार मुखर्जी हैं। वैसे ही रेखा द अनटोल्ड स्टोरी है उसके लेखक कौन है जी तो यासिर उस्मान है। गांधी इन चंपारण के लेखक कौन है जी तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। कौन है जी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। इंडिया मिस इंडिपेंडेंस के लेखक बिपिन चंद्र है। सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन है, अर्नब रॉय लिखा है जी। सस्पेक्ट पोएम्स किसने लिखा है जी तो गुलजार ने, गुलजार आपको भी पता है जी, गाना लिखते हैं। सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला के कौन है जी, सीता अमित त्रिपाठी है। हिट रिफ्रेश सत्यान डेला जो माइक्रोसॉफ्ट के क्या है जी सीईओ है, इसको याद रखिएगा। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक रघुराम राजन ने लिखा है जो प्रूफ क्या के थे, गवर्नर थे आरबीआई के जी। लिंकन इन द बार्डो जॉर्ज सैंडरसन ने लिखा है। मन की बात किसने लिखा है तो राजेश जैन ने लिखा है। देखिए बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मन की बात किसने लिखा है जी, नरेंद्र मोदी का रेडियो पर जो आता है प्रसारण आता है लेकिन उसके राइटर कौन है जी तो राजेश जैन, इस बात को ध्यान रखिएगा। मातोश्री के राइटर कौन है जी, सुमित्रा महाजन है जी। द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा के नीलमा डालिया आधार, नीलमा डालिया है जी, कौन है जी, नीलमा डालिया आधार है और आधार। जीना ऑफ केम टू आवर हाउस, जीना ऑफ एंड केम टू आवर हाउस की बात हो रही है जब इंडिपेंडेंस का समय था जी, आवर हाउस में जीना को आने के लिए कुछ आ सकते थे ऐसा उन्होंने लिखा है। तो किरण दोषी ने लिखा है। दुखम सुखम के राइटर कौन है तो ममता कालिया है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लेखक कौन है तो नविता गोखले हैं जी। एक्स्ट्रा टेरिस्टियल पुस्तक के लेखक कौन है तो सुधिता दास है, इतना नहीं पढ़ नहीं। वेन डिम्पल मेट ऋषि कपूर, संध्या मेनन है जी। द फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स, द फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स के लेखक है जूडी बालन जी, इंपॉर्टेंट है। द राइज ऑफ शिवगामी के आनंद नीलकंठ हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस के सचिन थरूर हैं जी। लॉन्ग फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है जी तो रस्किन बॉन्ड है। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी जो इम्पोर्टेंट हैं उसको जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं जी। विनिंग्स लाइक सौरभ किसने लिखा है जी तो थिंग्स एंड सक्सीड लाइक गांगुली, ये पूरा बुक का नाम है मीनिंग्स लाइक सौरव, थिंग्स एंड सक्सीड लाइक गांगुली। ये अभिरूप भट्टाचार्य ने लिखा है। सिटीजन एंड सोसाइटी मोहम्मद अंसारी और हो गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पी ने अरुंधति रे डिस्कस किए हैं जी। डेथ आवर ऑफ डेथ अंडर द देवदास रस्किन बॉन्ड है। खुल्लम खुल्ला आपको भी पता है ऋषि कपूर का जो जीनी पे लिखा है और इसको ऋषि कपूर और मीना नायर दोनों ने मिलकर लिखा है जी। What can I give life lesson from my teachers? डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, सिजन पाल सिंह ने लिखा है जी। पीपुल्स प्रेसिडेंट जो एस एम खान ने लिखा है, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की ये स्टोरी थी। द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा
नीलिमा डारिया अधर लेन लिखा है, डिस्कस हो चुका है, आप भी देख सकते हैं। रेखा दंडोलरी यासिर उस्मान लिखे हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट है रंधती रॉय ने, द हॉर्स वॉक्स इन टू द बार छूट गया था, डेविड ग्रासमैन लिखा है जी, व्हाट हैपेंड हिलरी क्लिंटन का है। तो आप देख सकते हैं इतने जो भी है मैंने इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स एंड ऑथर्स के थे उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के करें। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं वीडियो प्रीमियम या अपलोड करता हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके जी। थैंक यू सो मच। Enjoy your life. God bless you.